So hello and very good morning to all of you. This is me Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. Very good morning to all. Please let me know that I'm audible. Am I audible, guys? All is well, so let's get started. And here we are covering the important news from the newspapers like Hindu and Indian Express. So let us see what are the important takeaways. Definitely, jo naye student hai, make sure that you follow me on this link on Unacademy. Okay, Unacademy ki application pe ya jo website hai, wahan aap mujhe follow kar sakte hain to get access of the free classes. These are again very important. एंड दीज आर द बैच कोर्सेज जो आपके 22 वाले स्टूडेंट हैं या 23 वाले स्टूडेंट हैं फाइन उनके लिए ये बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल के अंदर यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैच कोर्सेज बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड यू नो दैट सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना ही चैलेंजिंग होता है तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ओके जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं चाहे वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपको वहाँ पे दिया जा रहा है यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन टू मेक योर प्रिपरेशन मोर फोकस्ड द डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का आपको अपना प्लान चूज करना है देन यू नीड टू पुट दिस कोड दैट इज RBLIVE मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट प्लस पर्सनलाइज गाइडेंस ओके सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक विद एडेड बेनिफिट्स और GS और ऑप्शनल को भी आप क्लब कर सकते हो GS और ऑप्शनल को भी आप क्लब कर सकते हैं ऑप्शनल अलग लेना चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है द प्रोसेस विल बी सेम कोई भी आपकी क्वेरी है कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पे रीच कर सकते हो मुझे एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी ये जो संडे है उस पर आपका कॉम्बैट रहेगा तैयार हो जाइए 60 मिनट 60 क्वेश्चंस ठीक है एक गेमिफाइड बैटल है जहाँ पे एक्साइटिंग प्राइसेस भी आपको मिलेंगे देखिए पहले छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत बड़ी भी है दिस इज़ अबाउट द संसद टीवी आपका जो लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी है इनको क्लब कर दिया गया है ठीक है ना इनको कंबाइन कर दिया गया है और एक संसद टीवी नाम से बना दिया गया है द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द मर्जर ऑफ लोकसभा टीवी देखिए लोकसभा टीवी स्टार्ट किया गया था 2006 के अंदर और राज्यसभा टीवी आपका स्टार्ट किया गया था 2011 के अंदर शुरू में काफ़ी अपोजिशन था इस आइडिया के लिए बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लाइज इन द फैक्ट कि लोकसभा टीवी आपका आया तो जितनी भी लाइव टेलीकास्ट है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स हैं आई होप आपको एक बार आप गए होंगे या तो पार्लियामेंट के अपने प्रोसीडिंग्स देखी होंगी लाइव अगर आप नहीं गए तो आपको जाना चाहिए कभी टाइम मिले इस तरह से कैसे जा सकते हैं आपके जो एरिया के एमपी हैं उनसे आप मिल सकते हैं उनको बोल सकते हैं कि इस तरह से मुझे जाना है तो वो ये सब चीज़ें अरेंज कराते हैं सो डेफिनेटली दैट वुड बी अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सो जो लाइव प्रोसीडिंग्स आ रही हैं लोकसभा की वो इस तरह से पहले क्या होता था पहले जो इम्पॉर्टेंट एड्रेस है जैसे क्वेश्चन आवर हो गया प्रेसिडेंट का जो जॉइंट सेशन को एड्रेस है ये सब चीज़ें होती थी तो इसमें यह है कि या तो दूरदर्शन पे आ रहा है दोनों का साथ है तो राज्यसभा टीवी का रेडियो पे दे दिया समथिंग लाइक दिस तो फिर ये आइडिया आया और 2006 में सोमनाथ बनर्जी थे उस टाइम पे उनका ये ब्रेन चाइल्ड माना जाता है द पर्पस ओके द पर्पस और द सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट कि सिटीजन्स जो हैं उनको अगर अवेयरनेस रहेगी किस बारे में कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वर्क कैसे कर रहे हैं एक्चुअली में ओके वहाँ पे कैसे काम हो रहा है किस तरह से लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रखा जा रहा है किस तरह से सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं इससे क्या होगा लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी अबाउट द वेरियस एफर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स कि गवर्नमेंट वास्तव में कर क्या रही है और आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत मतलब इस तरह से डिस्कशंस हैं या आप लाइव भी देख सकते हैं अब तो जाने की जरूरत नहीं है सो यू विल गेट टू नो कि हाँ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ये सब चीज़ें बट अगेन द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट कि हाँ यार इम्प्लीमेंटेशन भी तो हो उनका फाइन
सो इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है, ये इंश्योर किया गया कि लाइव स्ट्रीमिंग जब लोकसभा टीवी पे रहेगी, इससे अवेयरनेस होगी, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर। तो ये क्या यहाँ पे टारगेट कर रहा है, पार्टिसिपेटरी, ओके, गवर्नेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छा मूव था, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहा है। एंड स्पेशली अगर हम बात करें, देखिए राज्यसभा टीवी जो है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होगा राज्यसभा टीवी पे काफ़ी सारे इस तरह के डिबेट्स हैं। स्पेशली बिग पिक्चर इज़ वेरी पॉपुलर, बिग पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे आते हैं काफ़ी सारे, मतलब अगर मंथ में जितने भी आपके हैं, सो अराउंड 8 to 10 यू कैन से, या आपके इस रेंज के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट ऐसे इश्यूज होते हैं जो पिक किए जाते हैं बिग पिक्चर जैसे डिबेट शो से। और आप देखोगे कि हाँ यार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पुट होते रहे हैं, फाइन। सो आप देख सकते हो जब भी खाली टाइम है या इस तरह से, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज डिबेट शोज। तो राज्यसभा टीवी का जो 2017 में कुछ था सब्सक्राइबर बेस था यूट्यूब चैनल का, वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे अभी अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, आई थिंक 5 मिलियन क्रॉस कर गया है। इट मीन्स दिस चैनल्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, फाइन, लोगों के बीच में, स्पेशली यूथ के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग जानना चाहते हैं, ओके, इन डिबेट्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको समझना चाहते हैं किस तरह से वर्क हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या इश्यूज़ हैं। सो ये काफ़ी पॉपुलर रहा राज्यसभा टीवी। इंडीड आपका जो है ज़्यादा वहाँ पे कंपेरेटिवली स्टाफ भी है और बड़ा भी है, अब इनको आपने क्लब कर दिया है, संसद टीवी के नाम से ये रहेगा, तो देखते हैं किस तरह से आगे ऑपरेशन इसका रहता है। द इंफॉर्मेशन एम्पावर्स द सिटीजन, तो इस तरह से आप क्या करोगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहा है, एम्पावर कर रहा है सिटीजन्स को, एम्पावर कर रहा है सिटीजन्स को, सिटीजन का एम्पावरमेंट इज ऑल्सो देयर। एंड टू यूटिलाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, उनको अपना राइट्स का पता चलेगा कि हाँ यार ये राइट्स है और इनका हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हम डेमोक्रेटिक जो इकोसिस्टम है या डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें अपना पार्टिसिपेशन भी बढ़ा सकते हैं। सो दिस वर द गुड आइडियाज़, और इनका बेनिफिट भी काफ़ी हुआ। अभी न्यूज़ ये है कि इसे मर्ज करके संसद टीवी बनाया जा रहा है, अब आगे इस पर कुछ अपडेट होगा तो हम इसे करेंगे। नाउ लेट्स कम टू दिस न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको कहा था कि हम करेंगे, ओके, दो इश्यूज़ मैंने आपको कहे थे, एक इंडिया पाकिस्तान का जो सीज़ फायर है, सीज फायर एग्रीमेंट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि हम एक एडिटोरियल को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से जो आपका दिशा रवि वाला जो केस चल रहा था, दिशा रवि वाला केस था, उस पर भी हम लेंगे। तो अभी आज हम इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन की अगर बात करें, तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बाइलेटरल रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखिए है क्या, फेब के लास्ट वीक में इस तरह से सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ और उसी को देखा जा रहा है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है क्या नहीं है। आप कहोगे सर सीज़ फायर एग्रीमेंट तो साइन होते रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी 2018 में भी तो कुछ ऐसा था। तो ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है क्यों अलग है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये इफेक्टिव हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये सब चीज़ें थोड़ी डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो न्यूज़ है आज आपका जो पेपर है हिंदू, उसमें एडिटोरियल है आज के पेपर में, उससे हम इसको कवर कर रहे हैं, फाइन, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ दिस एडिटोरियल। देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट 2021 जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है, क्या इसका कॉन्टेक्स है वो हम समझ पाएंगे। देखिए आपको पता होगा कि जिस तरह से 1947 के अंदर डिवीज़न हुआ, ओके, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो कश्मीर है वहाँ पे इस तरह से वॉर ब्रेकआउट कर गया था, वॉर इस तरह से आपका रहा कश्मीर रीजन के अंदर, और फिर यूनाइटेड नेशन की हेल्प से, ओके, यूनाइटेड नेशन में इंडिया जाता है और यूनाइटेड नेशन यहाँ पे इंटरवीन करता है और एक सीज़ फायर एग्रीमेंट कर देता है, ठीक है ना, इसे कहा जाता है कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949। कराची एग्रीमेंट 1949 वॉज द फर्स्ट, ओके, ये आपका फर्स्ट सीज़ फायर एग्रीमेंट था। ये लेटेस्ट कौन सा है, 2021, फेब 2021 वाला है। कराची एग्रीमेंट आपका फर्स्ट सीज़ फायर एग्रीमेंट था जिसने फर्स्ट वॉर, ओके, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो पहला वॉर था उसको एंड किया,
और यहाँ पे ये साइन किया गया और ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्रीज हैं वो क्या होगी, अब सीज फायर लाइन कहा जाएगा उसको। ओके, सीज फायर लाइन कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देखोगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इस तरह से आपका एग्जिस्टेंस में आता है, फाइन। तो ये सीज फायर लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। आप कहेंगे सर सीज फायर लाइन तो हमने सुना नहीं, एलओसी सुना है। तो ये देखेंगे हम कैसे चेंज होता है, एलओसी पे कैसे आता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। देखिए अभी आपका सीज फायर लाइन बन गया और यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके, ये आपका बन गया। ये जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है ये बन गया। इसका काम क्या था, इसका काम था ये जो सीज फायर लाइन है इसको मॉनिटर करना, यहाँ पे सीज फायर इंश्योर करना कि कुछ वॉर लाइक सिचुएशन एस्केलेट ना हो जाए। तो ये आपका कंटिन्यू चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 1965 में वापस इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस तरह से प्राइम मिनिस्टर थे। एंड दिस वॉर एंडेड इन अ सीज फायर, बट सिंस स्टेटस को वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर द ताशकंद एग्रीमेंट। अब देखिए ताशकंद एग्रीमेंट के बाद में स्टेटस को इंश्योर हो गया। हालांकि इंडिया की जो आर्मी थी काफ़ी अंदर तक घुस गई थी पाकिस्तान की, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा और ये कहा गया कि जो सीज फायर लाइन है वही जो पहले सीज फायर लाइन थी ना, जो कराची एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था, वहीं पे अब वापस आप आ जाएंगे। तो जो सीज फायर लाइन थी वो अल्टर्ड रही, मतलब आपकी चेंज नहीं हुई। चेंज कब हुई, जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का वॉर होता है वहां पे क्या होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान हार जाता है और जो ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में नया कंट्री सामने आ जाता है, फाइन। यहां पे अब क्या होता है, चेंज होता है, शिमला एग्रीमेंट साइन होता है, शिमला एग्रीमेंट साइन होता है। और शिमला एग्रीमेंट में हम मतलब इसका इम्प्लीकेशन भी रहता है, और इसी के साथ शिमला एग्रीमेंट के साथ एक और सुचेतगढ़ एग्रीमेंट साइन होता है। ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है किस कॉन्टेक्स्ट में, सुचेतगढ़ एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट कि एक तो नाम चेंज कर देता है, जो सीज फायर लाइन हम सुनते आ रहे हैं कराची एग्रीमेंट से, ओके, सिंस द फर्स्ट वॉर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, वहां से नाम चेंज होता है सीज फायर लाइन का, क्या नाम हो जाता है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एक तो यहां पे हम नाम चेंज कर देते हैं, फाइन। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टेटस को है वो रिस्टोर नहीं होता है, ओके, 1971 के बाद में जो शिमला एग्रीमेंट होता है उसमें स्टेटस को ये इंश्योर नहीं होता है। तो एक तो आपने क्या किया, नाम जो है वो चेंज कर दिया, फाइन, और जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज हुई है, और अब सीज फायर जो लाइन है वो अब नहीं कहा जाएगा, अब आपका लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो मूव है इसको कहा गया कि यार ये स्मार्ट मूव है, ओके, स्मार्ट मूव था। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को हम और ज़्यादा यहाँ पे बारगेनिंग कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास 95,000 जो है वॉर प्रिजनर्स थे पाकिस्तान के जो थे, और मोस्ट ऑफ दीज वर सोल्जर्स, ओके, इनको हमने हमारे कैप्चर में थे, एक तरह से आप कह सकते हैं बंदी बना रखा था। सो दिस वॉज द थिंग। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सीज फायर लाइन है, सीज फायर लाइन जो है इसका नाम एलओसी हो जाता है, और इस मूव से क्या होता है, जो आपका यूनाइटेड नेशन ये जो बना हुआ है UNMOGIP, जिसकी अभी हमने बात की थी, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसको इंडिया क्या कर देता है, इररेलेवेंट कर देता है। क्यों, क्योंकि UNMOGIP इसका काम क्या था कि जो सीज फायर लाइन है ये इंश्योर करे कि सीज फायर लाइन चेंज ना हो, वहां पे इसको मॉनिटरिंग करना। लेकिन अब सीज फायर लाइन है ही नहीं तो ये मॉनिटर किसको करेगा, ओके, ये जो मिलिट्री ये जो ग्रुप है आपका ऑब्जर्वर ग्रुप है ये क्या कर रहा था, ये मॉनिटर कर रहा था। प्लीज हैव ए लुक, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ये जो ग्रुप है UNMOGIP, ये क्या कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था द सीज फायर, ओके, अलोंग द सीज फायर लाइन। सीज फायर को ये इंश्योर कर रहा था कि यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ फायरिंग का इंसिडेंट ना हो, शांति बनी रहे अलोंग द सीज फायर लाइन। बट आपने क्या किया, सुचेतगढ़ एग्रीमेंट के साथ में सीज फायर लाइन का नाम चेंज कर दिया, अब LOC ये हो गया, स्टेटस को वॉज नॉट देयर। तो ये क्या हो गया, UN ये जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था ये इररेलेवेंट हो गया, इसका प्रेजेंस जो है कश्मीर में इररेलेवेंट हो गया। क्यों, क्योंकि आपने एक तो जो शिमला एग्रीमेंट था या जो भी एग्रीमेंट था वहां पे आपने UN को इन्वॉल्व नहीं किया, अनलाइक कराची एग्रीमेंट। कराची एग्रीमेंट में यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट था,
तभी तो ये यूनाइटेड UNMOGIP ओके मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है। हालांकि जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि हमें यूएन में नहीं जाना चाहिए था, हमें आपस में इस मैटर को डील करना चाहिए था कि ये इंटरनेशनलाइजेशन आपका हो गया, दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन। उस टाइम पे क्रिटिसाइज भी हुआ था। हाउएवर शिमला एग्रीमेंट के बाद में चीज़ें चेंज हुई वापस से, और जो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इसका प्रेजेंस जो है इररेलेवेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, चीज़ें चेंज होती हैं और फिर 2003 का एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट आता है। तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसका थोड़ा समझना भी ज़रूरी है, फिर हम अभी आएंगे जो लेटेस्ट वाला है। देखिए 2003 में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, मतलब दोनों देशों के बीच में फायरिंग नहीं होगी। सीज फायर में क्या होता है, इस तरह से जो भी फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं ये सब नहीं होगा, गोलीबारी है, वायलेंस है बॉर्डर पे, ये कम किया जाएगा। 2003 का एग्रीमेंट होता है बिटवीन DGMO ओके जो भी डीजीज हैं, एंड कम्युनिकेटेड थ्रू ए टेलीफोन कॉल बिटवीन देम, एंड वॉज रीइटरेशन ऑफ दिसंबर 1975 वॉर टर्मिनेशन सीज फायर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसी पे जा रहे हैं जो शिमला एग्रीमेंट के टाइम पे इस टाइप जो डिसाइड किया गया था, या सुचेतगढ़ के टाइम पे जो डिसाइड किया गया था, वो सीज़ फायर एग्रीमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव था, फाइन, 2003 वाला। और अभी जो प्रेजेंट में है वो फरवरी 2021 वाला है। तो आप कहोगे सर ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो लेटेस्ट वाला है, फेब 21 वाला, ये कैसे अलग है, पहले भी तो होते आए हैं, 2018 में भी बात हुई थी, फिर जिस तरह से इंसिडेंट हुए आपके पुलवामा है या जो भी। सो 2021 वाला जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लीज़ हैव ए लुक, यहाँ पे ये थोड़ा सा यूनिक है। 2021 वाला जो सीज फायर एग्रीमेंट है, यहाँ पे एक तो दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, दोनों जो DGMO हैं उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, जैसा कि 2003 के अंदर भी था। फर्स्ट थिंग, अनलाइक द प्रीवियस डिक्लेरेशंस एंड द रिसेंट एग्रीमेंट मेंशंस ए स्पेसिफिक डेट टू बिगिन द सीज फायर। स्पेसिफिक डेट टू बिगिन द सीज फायर, इन्होंने कहा कि 26 फेब रहेगा जहां से सीज फायर स्टार्ट होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इंपॉर्टेंस आप कहोगे सर इसमें अलग क्या है, इसमें अलग यह है कि इंटेंट का फर्क है। इंटेंट आपका जो इंटेंट है, इंटेंशन है, ओके, हाउ मच यू आर विलिंग टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, एक क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे इस तरह से कैजुअल वे में करते हैं, चलो यार तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सिंसियरली, जब वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप पढ़ने ही बैठ रहे हो, ठीक है, और कुछ चीज़ें नहीं है और दिमाग में आपके कुछ नहीं चल रहा है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर स्टडी, ओके, यू आर टोटली कंसंट्रेटेड ऑन योर स्टडीज, फाइन, और बाकी चीज़ें सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है किसी के साथ कोई इश्यूज़ नहीं है, किसी के साथ जॉब का इशू है, किसी के साथ में अगर कोई जॉब कर रहा है तो भी इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, वट एवर इट कुड भी, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप ये इंश्योर कीजिए, जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो वो जो एक घंटा है या 30 मिनट ही क्यों ना हो या 2 घंटा है, उस टाइम पे केवल पढ़ाई ही होगी, बाकी टाइम जो है उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो, जो भी है, जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करो। ये उससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो डेफिनेटली इंश्योर होगा, ओके, आप खुद देखोगे थोड़े टाइम में चेंजेस आने लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लग जाएगा, दिस इज द वे फॉरवर्ड, ओके, इस तरह से होता है। सो इंटेंट का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, एक आपने क्लियर यहाँ पे एक तो डेट दी, जॉइंट स्टेटमेंट दिया, तो यहाँ पे इसे कंपेयर किया जा रहा है कि यार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है ना, स्पेशली इन द लास्ट 18 ईयर्स, इससे पहले कब हुआ था, 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था वहाँ पे ऐसा हुआ था, इसलिए इसको कंपेयर किया जा रहा है उससे, 2003 वाले सीज फायर एग्रीमेंट से कंपेयर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यार इंटेंट जो है इसका अच्छा है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। नाउ द थिंग इज दैट, अब बात ये आती है कि ये कितना ड्यूरेबल है, ओके, या फिर मतलब ऐसे ही कुछ महीने चलेगा फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस पार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सीज फायर एग्रीमेंट, ओके, सीज फायर एग्रीमेंट ऑफ 2021 लाइज इन द फैक्ट दैट इट विल डिफ्यूज द टेंशंस। क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा टेंशंस अलॉन्ग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC के अकॉर्डिंग ये जो है वहां पे टेंशन को डिफ्यूज करेगा। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है, आपको पता है
लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ चल रहा था, चाइना ने भी एक फ्रंट ओपन कर दिया था। चाइना ने भी एक फ्रंट ओपन कर दिया था। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, यहाँ पे पेंगोंग लेक था और ये सब हम पढ़ रहे थे, तो चाइना ने इधर से आपका फ्रंट खोल दिया था, तो इंडिया को अपना शिफ्ट करना पड़ा था। इस तरफ एंड पाकिस्तान से तो आपकी थ्रीट है, एक तरह की पेरिनियल थ्रीट है। तो इंडिया नहीं चाहता कि यार टू फ्रंट, ये जो चैलेंज है दोनों तरफ से वॉर का जो चैलेंज है, इसको इंडिया थोड़ा मैनेज करना चाहता है, क्योंकि टू फ्रंट वॉर को डील करना बेसिकली, जितने भी एक्सपर्ट है वो तो यही कहते हैं कि यार प्रैक्टिकली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आई थिंक। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और आप इसके लिए तैयारी करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। इंडिया ने कभी भी चाइना की तरफ से थ्रीट को कंसिडर नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान पे फोकस किया है। लेकिन अब इंडिया को पता है कि चाइना की तरफ से भी जो थ्रीट है दैट इज रियल। ये रियल थ्रीट है एंड वी हैव टू मैनेज दैट थिंग। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंट सीज फायर एग्रीमेंट लाइज इन द फैक्ट दैट इट विल डिफ्यूज द टेंशन एंड विल हेल्प इन डीलिंग द टू फ्रंट चैलेंज। क्योंकि टू फ्रंट चैलेंज को डील करने का तरीका क्या है, ये दो फ्रंट आपने बना रखे हैं। अब चाइना वाला जो है ये तो अभी एक्टिव है, यहां पे टेंशन डिफ्यूज कर नहीं सकते, तो आप पाकिस्तान के साथ टेंशन डिफ्यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इसका। नाउ द थिंग इज दैट, क्या ये एकदम से आपका आ गया, ये जो सीज फायर एग्रीमेंट आया है 2021 का, क्या ये एकदम से इस तरह से आ गया या इसके पीछे कोई रीजन था? देखिए, रीजन वॉज दैट, रीजन यहाँ पे ये था कि ऑलरेडी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रहा था। डिप्लोमेसी वॉज वन ऑफ दैट रीजन। एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। चाइना वाला टेंशन था, उससे पहले से ही बातें चल रही थी और फाइनली इस तरह से एग्रीमेंट हुआ है। अब जो सीज फायर एग्रीमेंट है इसके अंदर क्या है, द इंटेंट इज़ फाइन, इंटेंट अच्छा है क्योंकि आपने डेट दिया है, जॉइंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे रूल्स आपने नहीं दिए हैं। किस तरह से करोगे, क्या नहीं करोगे। अब एक्सपीरियंस तो यही शो करता है कि अनरिटन जो सीज फायर एग्रीमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाते, जल्दी ही टूट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी टेंशन बढ़ेगा फिर वो ब्रेक कर जाएगा। लेकिन सुचेतगढ़ एग्रीमेंट के केस में ऐसा नहीं है, शिमला एग्रीमेंट के केस में ऐसा नहीं है। तो हालांकि ये मतलब नहीं है कि अगर आपने रूल्स नहीं बनाए तो कुछ नहीं होगा, हाउएवर इट इज़ एडवाइजेबल कि आप रूल्स बना लीजिए, दैट वुड बी गुड इन दैट सेंस, फाइन, ताकि ये जो आपका सीज फायर एग्रीमेंट है ये थोड़ा सा सस्टेनेबल रह सके। और इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है इंटरनल सिक्योरिटी पे, एक पॉइंट है साइबर वॉलंटियर प्लान विल क्रिएट द सोशल डिस्ट्रस्ट, ये न्यूज़ आपकी है। देखिए, इसे हम समझते हैं थोड़ा सा। आपको मैंने पढ़ाया था एक नवंबर के अंदर टॉपिक आपको पढ़ाया था, फाइन, साइबर जो वॉलंटियर वाला प्लान, यूनियन जो होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय उसने एक पोर्टल रिलीज किया, पोर्टल इस तरह से ये किया था, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये इसकी वेबसाइट है, मतलब एक वेबसाइट थी जिस पे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो कंप्लेंस है वो यहाँ पे प्लेस की जाएंगी, फाइन, ताकि एफआईआर जो है वो की जा सके, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं उसके अंदर एफआईआर नहीं की जाती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो रिपोर्टिंग को बेटर करने के लिए ये बनाया गया। इसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया था, मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल वी एम टू रेज अ ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स टू फ्लैग अनलॉफुल कॉन्टेंट ऑन द इंटरनेट, कि हम ऐसे इंडिविजुअल्स का जो थोड़ा से एक्सपर्ट भी हैं और वॉलंटियर के रूप में काम भी करना चाहते हैं, तो उनका हम एक ग्रुप बना देंगे ताकि जो भी इंटरनेट पे अनलॉफुल कंटेंट है वो उसको फ्लैग करेंगे और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये जो साइबर वॉलंटियर, ये जो प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय का, ये क्या करेगा, सोशल डिस्ट्रेस कॉज करेगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इस प्लान के साथ प्रॉब्लम क्या है। प्लान के साथ प्रॉब्लम ये है दैट दिस स्कीम विल लीड टू ए कल्चर ऑफ सर्विलेंस एंड कॉन्स्टेंट सस्पिशन इन द सोसाइटी, क्रिएटिंग पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रेस। ये क्या करेगी, सर्विलेंस का कल्चर ये करेगी, ऐसा लगेगा लोगों को हमें कोई वॉच कर रहा है, पता नहीं किस कॉन्टेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाए नहीं आ जाए, कॉन्स्टेंट सस्पिशन रहेगा लोगों के अंदर, सोसाइटी में एक डिस्ट्रस्ट का माहौल क्रिएट होगा, ये इसमें कहा जा रहा है। एंड इट इज सेड दैट देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द मिनिस्ट्री विल एंश्योर दैट स्कीम इज नॉट मिसयूज्ड, क्योंकि स्कीम को मिसयूज भी किया जा सकता है। आप पर्सनल वेंडेटा, कोई आपकी आपसी पर्सनल कोई दुश्मनी है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसके लिए ये करने के लिए इसको मिसयूज किया जा सकता है। एक और इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन लॉन्च हो गई तो उसको विड्रॉल करना, उसका क्या प्रोसेस है ये आपने नहीं बताया,
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने हाईलाइट की कि ये वॉलंटियर प्रोग्राम है, ये अपने आप में ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा है कि अनलॉफुल कंटेंट, अनलॉफुल कंटेंट इससे हाईलाइट हो जाएगा, फाइन। अनलॉफुल कॉन्टैक्ट हाईलाइट हो जाएगा तो इससे डेफिनेटली हेल्प तो होगी, लेकिन ये कुछ जेन्यून रीजंस कंसर्न्स यहाँ पे उठाएं। तो मिनिस्ट्री क्या कह रही है? मिनिस्ट्री कह रही है कि हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, टेक्निकल कंपनीज हैं, हम उनसे रेगुलर कंसल्टेशन करते रहेंगे रिगार्डिंग दिस फ्रेमवर्क कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉर्ट आउट करें। कहने का मतलब है अगर कोई अच्छा आइडिया है तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म रखनी चाहिए। ये आप केस स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो, फीडबैक मैकेनिज्म आपको रखना चाहिए सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ गोइंग राइट एंड व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। तो जो सही चल रहा है उसको आप क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। जो रॉन्ग चल रहा है वहाँ पे आप क्या करोगे? इम्प्रूवमेंट करोगे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, इट मीन्स गवर्नमेंट कह रही है कोई प्रॉब्लम आएगी इस तरह से जो भी कंसर्न होंगे उनको हम एड्रेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसे हम लेते हैं। दिस इज़ अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड ये आपकी एक पॉलिसी लॉन्च हुई है, इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी। क्या है? इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? कर्नाटका ने लॉन्च की है। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी कर्नाटक ने लॉन्च की है एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी इन द इंडिया। पहला आपका ऐसा स्टेट है जिसने ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसे समझते हैं। देखिए कर्नाटक ऑलरेडी काफ़ी जो है आगे है एज फार एज दीज सेक्टर्स आर कंसर्न, जो कि R&D रिसर्च डेवलपमेंट की अगर हम बात करें। और यहाँ पे ये जो पॉलिसी है ये क्या करना चाह रही है? ये कह रही है कि हम पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, ओके, इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट एट्सेट्रा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं इन द कंट्री टू 45% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइज इन द फैक्ट कि आने वाले टाइम में $2 ट्रिलियन ग्लोबल लेवल पे $2 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री बनने वाली है, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। ये जो इंजीनियरिंग R&D है ये 2025 तक ग्लोबल लेवल पे $2 ट्रिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगा। मतलब इंडिया का जो अभी GDP साइज है दैट इज़ अराउंड $2.8 ट्रिलियन और ये अकेली इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे $2 ट्रिलियन की बनने वाली है। इसका मतलब ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ओके। अगर इंडिया यहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर्स लेता है तो एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में सामने आ सकता है। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्ट लाइज इन दिस थिंग कि इंडिया जो है एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉलिसी क्या कह रही है? ये पॉलिसी कह रही है कि हम कर्नाटक को इंडिया का जो है स्किल्ड नॉलेज कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करेंगे कि कोई नई खोज हुई है, इनोवेशन हुई है, उसको आपने पेटेंट करा लिया, समथिंग लाइक दिस। इट विल ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग द जॉब्स, अराउंड 50,000 जॉब्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है, 50,000 जॉब्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, IPs नए नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप क्रिएट करेंगे, जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं। द गवर्नमेंट वुड इन्वेस्ट इन स्किलिंग, ओके, स्किलिंग के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लिंकेज आप डेवलप कर रहे हो, ओके, लिंकेज किस किस के बीच में? इंडस्ट्री और अकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में लिंकेज डेवलप कर रहे हो, IP क्रिएशन को एनकरेज कर रहे हो ताकि इंडियंस जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। कौन कौन से सेक्टर्स है उस पर ये आपकी जो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी फोकस कर रही है, ये कुछ जो सेक्टर्स हैं वो बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जो एरियाज हैं जैसे एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज हैं, ओके, सेमीकंडक्टर्स हैं और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं या टेलीकॉम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम फोकस करना चाह रहे हैं फिलहाल। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आने वाले टाइम में यूज़ भी इनका बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे इंडिया अगर इंडिपेंडेंट होता है दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे कर्नाटक ने अपना एक पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन लिया जो काफ़ी अप्रिशिएबल है।
नाउ द थिंक इज दैट कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, कितना आप स्किलिंग कर पाते हो, कितना आप इन्वेस्ट कर पाते हो. ओके ये सब चीज़ें. नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ दैट एडिटोरियल अगेन. ये जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस से है. इसमें क्या बात की जा रही है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ओके उसको थोड़ा रिवाइज करने की बात की थी. ये हमने पढ़ा भी था कि नीति आयोग जो है वो यहाँ पे उसने एक डिस्कशन पेपर सर्कुलेट किया है. वो कह रहा है कि हम कुछ रिवीजन करना चाह रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर. तो क्या वो रिवीजन है, क्या उनका इम्प्लीकेशन है, उससे रिलेटेड है. ज़्यादा इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक बार देख लेते हैं. देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये क्या कर रहा है, ये लीगल राइट दे रहा है. ओके जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या दे रहा है, राइट टू फूड. क्या दे रहा है, राइट टू फूड दे रहा है. इसमें क्या है, जैसे आपकी राइस की प्राइसेज हैं 3 रुपए किलो, 3 रुपीज़ पर केजी, वीट है 2 रुपीज़ पर केजी है, कोरस ग्रेन्स 1 रुपीज़ पर केजी अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, ये जो नीति आयोग वाला पेपर, ये कह रहे हैं कि यार ये काफ़ी टाइम से ये प्राइसेज आपकी फिक्स हैं. ओके इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए, इनको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है. एक तो ये इसने सजेस्ट किया नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में. ये क्या कह रहा है, जो सेंट्रल इशू प्राइसेस हैं इनका क्या किया जाए, रिवीजन किया जाए, रिवीजन ऑफ सेंट्रल इशू प्राइसेस. अब ये पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है. तो वैसे ये एक्ट क्या कहता है, देखिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013 वाला, ये क्या कहता है कि आप कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो है ये इशू प्राइसेस को चेंज कर सकती है, रिवाइज कर सकती है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. जब से ये स्टार्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन उसके 3 साल बाद आप चेंज कर सकते हो. तो वैसे कायदे से देखा जाए तो 2016 में रिवीजन होना चाहिए था प्राइसेस का. हालांकि कुछ स्टेट है जिन्होंने लेट किया तो वो लेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है, रिवीजन है प्राइसेस का, वो होना था लेकिन इस तरह से हो नहीं पाया. अब नीति आयोग कह रहा है कि ये जो है रिवीजन आपको करना पड़ेगा. सेकंड जो चीज़ है, ओके अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये भी देखेंगे. सेकंड जो चीज़ है इन्होंने कहा है कि आपको अपडेट करने की ज़रूरत है. अदर इश्यूज आर अपडेटिंग ऑफ द पॉपुलेशन कवरेज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया. वो कह रहे हैं कि अभी तक जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन है, पॉपुलेशन भी आपका बड़ा है, तो जो अभी हम कवरेज कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है. इसे हम देखते हैं और यही चीज जो है इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट की थी. द एक्ट हैज प्रेस्क्राइब्ड द कवरेज अंडर एलिजिबल हाउसहोल्ड. अभी क्या है एलिजिबल हाउसहोल्ड में क्या है, आपको बता रखा है 75 जो है रूरल पॉपुलेशन, 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. इस बेसिस पे आप ले रहे हो. 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है, उसके फिगर्स आप ले रहे हो एंड द नेशनल रूरल एंड अर्बन कवरेज रेशियोज. फाइन ये है तो इसके हिसाब से लगभग 80 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कवर हो रहे हैं. नीति आयोग का जो डिस्कशन पेपर है वो कह रहा है ये जो 75-50 है इसको हम चेंज करना चाहते हैं 60-40 के अंदर. अगर हम 60-40 में चेंज कर लें दैट वुड बी ग्रेट. इफ दिस रिडक्शन हैपन्स द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, अगर ये रिडक्शन हो जाता है कि 60% तो यहाँ से ओके मतलब रूरल एरिया से 60% बेनिफिशियरीज होंगे और ये आपके 50% की जगह 40% होंगे अर्बन एरियाज. तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब कवरेज को भी आप अपडेट कर रहे हो. तो इससे क्या होगा, बेनिफिशियरी जो अभी 80 प्लस करोड़ हैं ये अराउंड 70 करोड़ पे आ जाएंगे. ओके 70 करोड़ पे आ जाएंगे. बेनिफिट क्या होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होगा हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए आप सेव कर सकते हो. फाइन एंड प्रॉब्लम ये है, लेकिन इसके अंदर ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी है. ओके वेलफेयर इसके अंदर कंसर्न भी है, इसमें प्रॉपर देखा जाए कि क्या वाकई में उनको हटाया जाना है ये सब चीज़ें. सो दैट मूव मे बी अपोज बाय सम ऑफ द स्टेट्स, कुछ स्टेट्स इसको अपोज कर सकते हैं. एंड इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका ये कवरेज रेशियो सेम रहता है, रूरल अर्बन कवरेज रेशियो को रिवाइज नहीं किया जाता है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, अभी 81 करोड़ है ना, तो आने वाले टाइम में ये लगभग 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा, इतने लोग यहाँ पे कवर होंगे. तो गवर्नमेंट को तो यहाँ पे खर्चा बढ़ाना पड़ेगा. गवर्नमेंट कह रही है कि इसको हम एक बार रैशनलाइज कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा सेविंग्स भी हो जाएगी और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको हम रिटेन भी कर सकते हैं. फाइन एंड ये जो एस्टिमेट दिए हैं नीति आयोग ने, ये 2020 पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे दिए हैं. चलिए साइंस एंड टेक पे आते हैं. साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग
ये न्यूज़ है अबाउट दिस जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन। वैक्सीन्स काफ़ी सारे आ गए हैं, आपने देखा फाइजर का भी आया था, मॉडर्ना का भी आया था। ओके फाइजर का है, मॉडर्ना का है, ये जितने भी। अब यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन दो तीन मायनों में अलग है, दो कंडीशंस यहाँ पे चेंज हैं। पहला क्या है, ये सिंगल सिंगल शॉट है। ओके जैसे आपके फाइजर मॉडर्ना वगैरह है ना, तो उसके अंदर आपको क्या देनी पड़ रही है, दो इस तरह से आपको डोज देनी पड़ रही है विथ पर्टिकुलर इंटरवल। तो ये क्या सिंगल शॉट से ही काम चल जा रहा है, एक तो ये चीज़ है। सेकंड क्या है, ये जितने भी थे आपके आरएनए बेस्ड थे। ओके इंस्ट्रक्शन इन द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये थे एमआरएनए बेस हो गया कोई या जो भी है। ये जॉनसन एंड जॉनसन वाला जो है, ये वैक्सीन जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज़ कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज़ कर रहा है इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। तो ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसको आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो 3 महीने तक एट टू टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे आप आराम से 3 महीने तक इसको रख सकते हो, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि डीएनए जो है इज़ नॉट एज फ्रेजाइल एज आरएनए, एंड द एडिनो वायरस इज टफ प्रोटीन कोट हेल्प्स प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड। जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एडिनो वायरस के अंदर जो टफ प्रोटीन है। फाइन, एंड जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन इज एडिनो वायरस बेस्ड विच इज मोर रगेज टाइप देन द एमआरएनए वैक्सीन ऑफ फाइजर मॉडर्ना। फाइजर मॉडर्ना के एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन्स थे जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज हो रहा था। ये क्या है, आपका एक तो एडिनो वायरस बेस्ड है और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज कर रहे हो, बस ये दो चीज़ें ध्यान रख लीजिए। और इसका सिंगल शॉट ही दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, आपके दो शॉट दिए जा रहे हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है या जो भी है। एक एनवायरनमेंट पे छोटी सी न्यूज़ है, देन विल रैप अप द सेशन। दिस इज द रीडिस्कवरी ऑफ ब्लैक ब्राउन बैबलर। ओके तो ये ध्यान रखिए, ब्लैक ब्राउन बैबलर होता क्या है, क्या ये बर्ड है या कोई मैमल है, तो ये बर्ड है, ये पिक्चर आपको दिख रही है। क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि इसकी रीडिस्कवरी की गई लगभग 170 ईयर्स के बाद में इसको रीडिस्कवर किया गया। ओके क्या यहाँ पे कह रहे हैं, एंड द स्पीशीज होलोटाइप इज नाउ एट नीदरलैंड्स। ओके ये जो स्पीशीज है इसका होलोटाइप यहाँ पे प्रेजेंट, होलोटाइप मतलब सिंगल एग्जाम्पल। ओके सिंगल एग्जाम्पल, सिंगल पीस इज देयर। तो उस कॉन्टेक्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 170 ईयर्स के बाद में आपने इसको देखा है। अब IUCN क्या कह रहा है, IUCN कह रहा है कि हमारे पास इसका डेटा ही नहीं है, डेटा डेफिशियंट वाली कैटेगरी में हम इसको रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो है नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कवरी बहुत सिग्निफिकेंट मानी जा रही है, इसलिए ये थोड़ा अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान रखना है, IUCN का इसका ये ध्यान रख लीजिए, डेटा डेफिशियंट वाली कैटेगरी है। और नाउ द थिंग इज दैट ब्लैक ब्राउन ब्लैबलर होता क्या है, ये ध्यान रख लीजिए। कहाँ मिला है ये, इंडोनेशिया में आपका इसको देखा गया, इंडोनेशिया। वैसे तो बस नाम ही ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं प्रीलिम्स में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप टू गेट अपडेटेड, टू गेट अपडेट्स रिलेटेड टू द सेशंस, फ्री क्लासेज एंड ऑल। और आपके जो भी फ्री क्लासेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर जो योजना है, वो भी यहीं पर हम करेंगे। फाइन, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। This is all for today. All of you, all the best. Don't forget to like this session. Please do like the session and share with your friends and fellow aspirants so that we can continue this initiative. Have a great day.